Which one of the following lipid soluble hormones can interact with the cell surface receptors? Okay, प्रोजेस्टेरॉन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इनके लिए रिसेप्टर सेल सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो इनके लिए रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्राडियोल्स, एस्ट्रोजन, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और ये भी इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इनके लिए भी रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। थायरॉक्सिन के लिए रिसेप्टर्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये भी इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। Prostaglandins. Prostaglandins are a group of lipids made at sites of tissue damage or infection that are involved in dealing with injury and illness. So, ये क्या करते हैं prostaglandins? ये basically inflammation को, blood flow को control करने का काम करते हैं और blood clot formation के लिए help करते हैं। तो prostaglandins के लिए जो receptors present होते हैं cell surface पर, वो G protein coupled receptors होते हैं और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं और ये जी अल्फा आई कपल रिसेप्टर्स होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिंस की बाइंडिंग जी अल्फा आई कपल रिसेप्टर से होती है और इस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल सर्फेस पर रिसेप्टर्स किसके लिए प्रेजेंट होंगे? प्रोस्टाग्लैंडिंस के लिए। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।